सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चा प्यार और भूत दोनों ही एक जैसे होते हैं। जब तक मिलते नहीं हैं, तो यकीन नहीं होता है उनके होने का, और जिस दिन मिल जाते हैं लोग डरने लगते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी दोस्तों, लाख कोशिशें कर लें तो भी मिलती ही नहीं है। प्रेम इस तरह किया जाए कि प्रेम शब्द का कभी जिक्र तक ना हो। आज का पंचांग 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:57 से 4:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी। आज चंद्रमा मेष राशि पर दोपहर 3:03 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से जानकारी मिल रही है कि कुंभ राशि वालों को आज व्यापारिक कार्यों में सामान्य बिक्री होगी। काम धंधे के समय आज व्यापार में सामान्य बिक्री होगी, लेकिन खर्चे पूरी तरह निकल आएंगी। किराना आदि से जुड़े कार्यों में रोजमर्रा के सामान की साधारण बिक्री होती देखी जाएगी। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकती हैं। किसी भी औषधि के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। आपका रूखा बर्ताव आपके जीवन साथी का मूड खराब कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि किसी का अनादर और गंभीरता से न केवल रिश्ते में दरार डाल सकता है, मनोरंजन और संदर्भ में बढ़ोतरी पर जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। अच्छा, आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग संदेहशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। अच्छा, आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर ना जा पाए। सेमिनार में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। नए विचारों और आइडियाज को जांचने का बेहतरीन वक्त है। उबाऊ होती शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांचक ढूंढने की जरूरत है। फास्टिंग मूवी गुड्स की बिक्री ठीक ठाक देखी जा सकती है। शेयर एवं सट्टा बाजार से जुड़े कार्यों में अच्छा मुनाफा हो सकता है। नौकरी करने वाले जातक आज अन्य रोजगार की तलाश में रहेंगे। आज के दिन आपके लिए शासन सत्ता का पूरा लाभ लेकर आएगा। कामकाज के तलाश कर रहे लोगों को भी कुछ समय और परेशान होना पड़ सकता है, उसके बाद ही उन्हें राहत मिलती दिख रही है। आप अपने कुछ मामलों में वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा कर सकते हैं और विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जमकर मेहनत करनी होगी, तभी उन्हें सफलता हासिल हो सकेगी। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आपको किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। जीवन साथी से चल रही अनबन बातचीत के जरिए भी समाप्त होगी। कोई उधार दिया हुआ पैसा वसूल करने का अनुकूल समय है। कुछ समय अपनी हॉबी अथवा रुचि संबंधित कार्यों में भी जरूर लगाएं। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगी। संतान द्वारा भी कोई शुभ सूचना मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य नरम रहने की वजह से घर और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगी। अपेक्षा से कम समय में काम होने के बाद भी जो बातें हाथ में नहीं है उन पर ही ध्यान दिया जाएगा। इस वजह से नाराजगी हो सकती है। नकारात्मक विचार और भावनाओं को दूर करने की कोशिश करें। जितना जल्दी नकारात्मक बातों का प्रभाव खत्म होगा उतनी आसानी से नए अवसर पर ध्यान देना संभव होगा। काम की जगह चल रही षष्ठ यंत्र के कारण खुद का नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखें। कंधे में जकड़न भी हो सकती है। सावधानियां, आय की अपेक्षा खर्चे अधिक रहेंगे, थोड़ा सावधानी से काम लेने की जरूरत है।
पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कमी ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पुरानी बातें रिलेशनशिप में दिक्कतें बढ़ा सकती है, ध्यान रखें। सादे सुदा जिंदगी में अप्रत्याशित रूप से काफी खर्चे भी हो सकते हैं। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाई है। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगी। घर परिवार में सुखद एवं अनुशासन प्रभावी वातावरण भी बना रहेगा, लेकिन अन्य सदस्यों को परेशानी हो सकती है। संतान के प्रति दायित्व पूर्ति भी होगी। मित्रों की मदद से रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा और प्रियजनों से आपकी भेंट होगी। संध्या काल में माता पिता के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा की योजना भी बनाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होगी और आज के दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। आज के दिन व्यापार को गति प्रदान करने वाला भी देखा जाएगा। काम धंधे के समय व्यापार में आज ग्राहक की चहल पहल भी बनी रहेगी, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कार्यों में तेजी की स्थिति देखी जाएगी और व्यापारिक अच्छा मुनाफा वसूली करते देखे जाएंगे। भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे में धन लाभ होता देखा जा सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के जातक आज ऑफिस में कार्यों की वजह से पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक रूप से थकावट की स्थिति बन रही है, कुछ समय आराम के लिए निकालें। अच्छा, आपको अपने शारीरिक फिटनेस को और भी दुरुस्त करने के लिए किसी से प्रेरणा मिलेगी। आप दिमागी तौर पर यह बात अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी फिटनेस को सुधारना है, लेकिन करने के नाम पर आप पीछे हटते रहे हैं। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो चाहे खुद बहुत अच्छे रूपाकार का स्वामी ना हो, लेकिन आपको अवश्य प्रेरित करेगा। आज आप कोई नया व्यायाम कार्यक्रम या खाने का नया पैटर्न भी सीख सकते हैं। गैस्ट्रिक समस्याओं से संबंधित कोई परेशानी भी कई लोगों को हो सकती है। बाहर के तले भुनी चिकनाई वाले भोज्य पदार्थों के सेवन में कमी लाएं। आज का उपाय। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हनुमान मंदिर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।